पाकिस्तान में इस समय सरकार जनता को बिजली के झटके दे रही है। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण आवाम परेशान है। पाकिस्तान में एक यूनिट बिजली 64 रुपए की है, जिसके विरोध में जनता सड़कों पर उतर चुकी है। हजारों लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। चुनावों से पहले इस तरह जनता की नाराजगी शहबाज शरीफ के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पाकिस्तान में जनता पर पहले ही महंगाई की मार पड़ी है, लेकिन हाल ही में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों को और भी ज्यादा निराश कर दिया। महंगाई से परेशान जनता को कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकड़ ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। इसकी जगह उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के पास बिल जमा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच जनता और व्यापारियों ने जमात इस्लामी के बंद के आह्वान को समर्थन दिया। कराची, पेशावर, सरगोधा और शेखपुरा जैसे बड़े शहरों में दुकानें बंद रहीं। ऊर्जा की बढ़ी कीमतों के विरोध में पंजाब बार काउंसिल के वकीलों ने भी काम का बहिष्कार किया। कराची में लोगों ने शाह लतीफ कस्बे में प्रदर्शन किया और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को भी रोका। अंतरिम पीएम ने 48 घंटे में राहत देने की बात कही थी, लेकिन उनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद अभी तक जनता को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की कीमतों को कम करने के लिए उन्होंने IMF से बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के अनुरोध पर अभी तक IMF ने सहमति नहीं जताई है। IMF के साथ पाकिस्तानी वार्ताकार बिजली के बिल भुगतान के फार्मूले पर सहमति बनाने में असमर्थ रहे। इस सप्ताह पाकिस्तानी पक्ष की ओर से बढ़े हुए बिजली बिलों में 400 यूनिट तक राहत प्रदान करने से जुड़ा प्लान रखा गया था। इस दौरान IMF को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके किसी भी निर्धारित लक्ष्य का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।